हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चंद्रयान 3 से जुड़े और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों इस शॉर्ट्स में हम जिक्र करेंगे। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को जाना जाएगा शिव शक्ति के नाम से। जी हाँ दोस्तों, शिव शक्ति उस पॉइंट को जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है, इसलिए शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का जो है सामर्थ्य मिला है। ये 26 अगस्त को जो दोस्तों प्रधानमंत्री इसरो में थे, तब उन्होंने ये बिल्कुल सारा जो लाइव देखा और उन जो ना अध्ययन किया स्थानों का, तो उन स्थानों के अब नाम भी रख दिए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जहाँ पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, उस पॉइंट को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया था, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो नेशनल स्पेस डे एक क्वेश्चन और ऐड हो गया, इससे पहले वो क्वेश्चन जहाँ पे मून लैंडर उतरा था शिव शक्ति, अब 23 अगस्त को जब भारत का चंद्रयान पहुंचा है तो नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। उसके बाद आगे जिक्र करते हैं। आगे है, ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। नहीं, जहाँ पर जो चंद्रयान 2 जहाँ पर उतरा था उस स्थान को देखिएगा। पहले ये देख लीजिएगा, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे, अब वो पॉइंट तिरंगा कहलाएगा। तो ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। जहाँ पे चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है शिव शक्ति, जहाँ पे चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे उतरा था, वहाँ पे दोस्तों उस पॉइंट का नाम तिरंगा। तो तिरंगा वो पॉइंट कहलाएगा, और तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। कि ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख भी देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती, क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 2 भारत का विफल हो गया था। इसलिए अगर इच्छा, दृढ़ शक्ति के साथ सफलता की कोशिश करें तो सफलता जरूर मिलती है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपके चंद्रयान से रिलेटेड थे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय जय भारत, जय हरियाणा।